हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे अनबॉक्सिंग विक्टर एंड रॉल्फ कंपनी के स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम परफ्यूम की, जो कि ईडीपी कंसंट्रेशन में आता है 90 ml में। बॉक्स की प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। बॉक्स ठीक ठाक लग रहा है, ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं है बॉक्स की, और ऐसा लग रहा है कि ज्यादा सिक्योर भी नहीं है परफ्यूम इसमें। सिंपल पेपर बॉक्स है ये, पीछे से मैं आपको दिखा देता हूँ। पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका बार कोड। नीचे से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, नीचे से आप देख सकते हैं इसका बैच कोड भी यहाँ पर दिया हुआ है। ऊपर से देख लेते हैं एक बार, ऊपर से आप देख सकते हैं विक्टर एंड रॉल्फ का लोगो है, जो कि इजीली नहीं दिख रहा है। अब जल्दी से देख लेते हैं इसकी फ्रेग्रेंस क्वालिटी कैसी है और इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। दोस्तों, सेलोफेन उतारने के बाद बॉक्स बहुत ही सिंपल लग रहा है, कुछ खास है नहीं, सिंपल पेपर बॉक्स है। बट बॉटल बाहर निकाल के देख लेते हैं जल्दी से कि कैसी है इसकी जूस क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी। और यहां पर कुछ मार्केटिंग स्कीम दी है, कोई कोड दिया हुआ है। फ्रेग्रेंस को हम बाहर निकाल के देख लेते हैं कैसी है फ्रेग्रेंस, लेकिन मुझे पहले से ही दिख रहा है कि इसमें लीकेज हुआ है, और आप देख सकते हैं इसमें जूस लीक हुआ है, काफी लीकेज लग रहा है मुझे। एक बार इसे चेक कर लेते हैं कि कहीं से बॉटल टूटी हुई तो नहीं है। बॉटल कहीं से टूटी हुई नहीं दिख रही है, मुझे लग रहा है शायद इसका स्प्रेयर दब गया हो अंदर इन ट्रांजिट। अंदर भी एक बार देख लेते हैं बॉक्स, ज्यादा लीकेज नहीं है लेकिन थोड़ा इसमें लीकेज हुआ है, आप देख सकते हैं। इन ट्रांजिट में शायद ऐसा हुआ है कि पैकिंग वगैरह ठीक नहीं की और इसका स्प्रेयर दबा, या कोई रीजन मैं जस्टिफाई अभी नहीं कर सकता हूँ। अब इसको हम क्लोथ से साफ कर लेते हैं एक बार, उसके बाद चेक करेंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी होगी, फ्रेग्रेंस कैसी है। दोस्तों, अब हमने इसकी बॉटल को क्लीन कर लिया, और बहुत ही अच्छी बॉटल डिजाइन है इसका, ग्रेनेड जैसा लग रहा है इसका डिजाइन, और तभी से स्पाइस बॉम्ब भी कहा जाता है शायद। और नीचे से भी एक बार देख लेते हैं, नीचे आप देख सकते हैं इसका बैच कोड दिया हुआ है, स्टीकर लगा हुआ है यहाँ पर प्रॉपर। बॉटल क्वालिटी सच में बहुत अच्छी है, बहुत हैवी बॉटल है, और सामने से गोल्डन कॉपर कलर का जो ये पूरा स्ट्रैप लगा हुआ है, ये बहुत ही आई कैचिंग और एलिगेंट लग रहा है सामने से। जो ये पूरी बॉटल है ग्लास की बॉटल है, और इसका अपर पोर्शन जो है टॉप पर, ये प्लास्टिक पोर्शन है दोस्तों। ऊपर से आप देख सकते हैं प्लेन एटोमाइजर है, इसका कोई भी लोगो नहीं दिया गया इस पे। हालांकि जो इसका स्प्रेयर लॉक है, इस पर आप देख सकते हैं विक्टर एंड रॉल्फ का लोगो है, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। और आपको डरने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पिन हटाने के बाद ये फटने वाला भी नहीं है। तो हम इसको जल्दी से रिमूव कर देते हैं और देख लेते हैं कि इसकी स्प्रेयर क्वालिटी कैसी है स्प्रे करके। दोस्तों, स्प्रेयर क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी है, ज्यादा ब्रॉड मिस्ट नहीं है, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री और बहुत ही स्मूथ स्प्रेयर है। दोस्तों, अब मैं इसकी फ्रेग्रेंस को फील कर पा रहा हूँ, बहुत ही हाई क्लास मॉडर्न, बहुत ही मैच्योर मैस्कुलिन टोबैको की नोट्स में इसमें फील कर पा रहा हूँ, वनीला की नोट इसमें फील कर पा रहा हूँ, बहुत ही मॉडर्न हाई क्लास ब्रांड लग रहा है मुझे ये। बहुत सारे स्पाइसेस को भी मैं इसके अंदर फील कर पा रहा हूँ, जिसको बहुत ही अच्छे से ब्लेंड किया गया है वनीला टोबैको के साथ। इसका नाम जस्टिफाई करता है स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम, सच में बहुत ही स्पाइसी सेंट भी लग रहा है मुझे ये। दोस्तों, क्रीमी वनीला इसे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहा है। इतने सारे स्पाइसी नोट्स होने के बावजूद भी ये फ्रेग्रेंस बहुत ही मॉडर्न और बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोस्तों, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि कोई इतनी ज्यादा स्पाइसी फ्रेग्रेंस आपको इतनी ज्यादा अपीलिंग लगती है। दोस्तों, ये फ्रेग्रेंस मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद है, और मैं अपनी बात ना करते हुए अगर और लोगों की बात करूं तो ये फ्रेग्रेंस सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। ये फ्रेग्रेंस दुनिया की बेस्ट फ्रेग्रेंसेस में से एक है। अगर मैं बात करूं विंटर फ्रेग्रेंसेस की, तो ये टॉप 5 फ्रेग्रेंसेस में आनी ही आनी है। ये फ्रेग्रेंस मैच्योर मैस्कुलिन बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है, और ये थोड़े ग्रो अप मैन के लिए ज्यादा सूटेड रहती है। ये अल्ट्रा मेल की तरह ज्यादा यूथफुल नहीं लगती, बल्कि थोड़ा सोफिस्टिकेटेड ब्लेंड लगता है। दोस्तों, इस फ्रेग्रेंस में वार्म फील है, जिसकी वजह से आप इस फ्रेग्रेंस को सिर्फ विंटर में ही यूज कर सकते हैं। इवन आप इसे स्प्रिंग और समर में बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ओवरपावरिंग और ऑफ पुटिंग हो जाती है। पर सर्दियों में ये फ्रेग्रेंस बहुत ही ज्यादा निखर के आती है, जितनी ज्यादा सर्दी होगी उतनी ही अच्छी लगेगी ये फ्रेग्रेंस। इस फ्रेग्रेंस को आप विंटर नाइट टाइम पार्टीज में यूज कर सकते हैं, जहां पर बहुत ही ज्यादा लोगों की गैदरिंग हो, हाई क्लास इवेंट और बहुत ही बड़े बड़े लोग आने वाले हो। आप इस फ्रेग्रेंस को वियर कीजिए और आप हैं पार्टी के लिए बिल्कुल तैयार, क्योंकि ये फ्रेग्रेंस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लीमेंट गेटर है, बहुत ही ज्यादा अच्छा ब्लेंड है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, और एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मर भी है। बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, तो ये फ्रेग्रेंस बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। इसका प्रोजेक्शन सियाज भी बहुत ही अच्छा है, जो काफी घंटों तक बहुत अच्छा मेंटेन रहता है। डिजाइनर फ्रेग्रेंसेस में से ये एक फ्रेग्रेंस ऐसी है जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है। ओवरऑल ये एक बहुत ही स्पाइसी, स्वीट, अट्रैक्टिव और एक बहुत ही अच्छा पार्टी सेंट है, जिसे हर एक फ्रैग हेड को अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार तो ट्राई करना ही करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की अनबॉक्सिंग वीडियो। किसी भी परफ्यूम की रिक्वायरमेंट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट जरूर करें। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।